लाहौर में DGHS सर्विसेज पंजाब की जानिब से एंटीबायोटिक आगाही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में DGHS हारून जहांगीर का एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। DGHS हारून जहांगीर का कहना था कि अवाम एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल डॉक्टर की हदायत के बगैर और बहुत बेएहतियाती से कर रहे हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इसलिए अवाम में आगाही पैदा करना बेहद ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करें। मैं सिर्फ अपने अवाम से मुखातिब हूँ, चाहे आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं या पाकिस्तान या वतन से किसी भी हिस्से में रहते हैं, खुदा के लिए इस बात को जहन में रखिए कि ये च्युइंग गम नहीं है, ये टॉफीज़ नहीं है, ये लोजेंजेस नहीं है जो आपके गले को सूद कर देंगी। ये एंटीबायोटिक है। और अगर आप बाहर के किसी मुल्क से आप वाबस्ता हैं, वहाँ पर रहती हैं, आपको पता होगा कि जब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं उस पर जहर लिखा होता है, पॉइजन लिखा होता है। वो पॉइजन हम नहीं लिखते, लेकिन ये लिखना चाहिए कि ये प्रिस्क्रिप्शन है और ये एक आपके लिए एक ऐसा है कि जैसे आप ऑटोमेटिक वेपन से मच्छर मार रहे हो। आपका मच्छर तो शायद ना मरे, लेकिन आपकी दीवारें चलनी छलनी हो जाएंगी, दीवारें आपके जिस्म, आपका दिलो दिमाग और आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं। कॉन्फ्रेंस में DGHS हारून जहांगीर समेत प्रोग्राम मैनेजर हेपाटाइटस खालिद महमूद, प्रोग्राम मैनेजर TB कंट्रोल आमिर महमूद, डॉक्टर अहमद नदीम डायरेक्टर हेल्थ समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम के सरबराहान ने खसूसी शिरकत की। तमाम तिबी माहरीन का कहना था कि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल परेशान कुन हद तक बढ़ चुका है। अवाम डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर ही एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, हत्ता कि नज़ला, खांसी और ज़ुकाम जैसी मामूली बीमारियों के लिए भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ पेश की गई कि कानून में तरमीम करके एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम तिबी माहरीन का कहना था कि अगर इसी तरह एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती रहीं तो इंसान की कुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएंगे, और ये कि 2040 के बाद कोई भी एंटीबायोटिक इंसानी जिस्म पर काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक्स का इरेशनल यूज़ को रोका जाए और हमारे सब कोलीग्स, डॉक्टर हजरात, फार्मासिस्ट, इन सब से इल्तजा है कि वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एक तो अद्वियात ना दें, दूसरा ज़रूरत की सिर्फ अद्वियात दें। आम नज़ला खांसी में जिस तरह अद्वियात से एंटीबायोटिक के बग़ैर भी इलाज मुमकिन है, तो इन चीज़ों को अप्लाई करें। और अवाम से रिक्वेस्ट ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि घर में अगर कोई एक एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है तो वही दवाइयाँ दूसरे किसी के लिए भी मुफीद हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो आपकी जान बचा भी सकती है और आपकी जान ले भी सकती है, लिहाजा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर के कहने पर करें, ना कि किसी क्वैक या अपने अजीज़ के कहने पर, ताकि आप अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना सकें। सेहत से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचाते हुए उमर मलिक, हेल्थ न्यूज़, लाहौर।